मानी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए साथियों, आज का हम एक महत्वपूर्ण अपडेट देखते हैं जो सीएम राइस शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। सीएम राइस स्कूल टीचर सेटअप देखेंगे हम। सीएम राइस स्कूल शिक्षक पद संरचना जानिए। सीएम राइस स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक के कितने पद रहेंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है साथियों, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम इसे एक बार पढ़ते हैं। सीएम राइस स्कूल लगभग प्रत्येक 62 के 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता युक्त विद्यालय प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हो सके, ताकि शैक्षणिक वातावरण में सुधार कर विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य से प्रदेश में लगभग 9,200 विद्यालयों का सौर संसाधन संपन्न विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। सत्र 2022-23 से प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तथा जनजाति कार्य विभाग, ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत सीएम राइस स्कूल के रूप में प्रारंभ किए जा रहे हैं। यह जानकारी आप मध्य प्रदेश एजुकेशन ज्ञानदीप पर देख रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीएम राइस स्कूल में पदस्थापना हेतु शिक्षकों की परीक्षा ली गई थी, जिसका रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया है। शीघ्र ही शिक्षकों की पदस्थापना के आदेश जारी हो सकते हैं। साथियों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हम इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे देख लेते हैं। एक बार सीएम राइस स्कूल एनरोलमेंट देखेंगे कितनी होगी। सीएम राइस स्कूल में दर संख्या, सीएम राइस स्कूल का सेटअप क्या होगा, सीएम राइस स्कूल में उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षक तथा प्राथमिक शिक्षक के कितने पद रहेंगे, हम इस पे इस वीडियो में देखेंगे। सर्वप्रथम हम यहाँ से देखते हैं साथियों, सीएम राइस स्कूल सेटअप क्लास केजी टू 12, कक्षा केजी से 12वीं तक के सीएम राइस स्कूल की पद संरचना दी गई है। जो क्लस्टर लेवल के स्कूल होंगे इनकी लगभग, इसमें अगर हम देखें तो नामांकन की जो संख्या होगी बच्चों की वो 1,000 होगी। ब्लॉक लेवल में जो सीएम राइस स्कूल होगा इसमें 1,500 होगी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो सीएम राइस स्कूल होगा ये 2,500 विद्यार्थियों का इसमें नामांकन होगा। प्री प्राइमरी के लिए 2 कक्षाएं रहेंगी, जिनकी नामांकन संख्या व सेक्शन इस प्रकार दिया गया है। आप देख सकते हैं क्लस्टर लेवल में जो होंगे एनरोलमेंट 50, इसी प्रकार आप देख सकते हैं ब्लॉक लेवल में जो प्रवेश होंगे 50 होंगे, और सेक्शन भी आप देख सकते हैं 2 सेक्शन, यहाँ पे 2 सेक्शन। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सीएम राइस स्कूल होगा इसमें विद्यार्थियों की जो प्री प्राइमरी संख्या होगी बच्चों की, इसमें 120 होगी, और इसके जो सेक्शन बनेंगे 4 बनेंगे। अगला हम देखते हैं, अब प्राइमरी के लिए 5 कक्षाएं रहेंगी, जिनकी नामांकन संख्या व सेक्शन इस प्रकार रहेंगे। क्लस्टर लेवल में हम देखेंगे कि 200 बच्चों का यहाँ एडमिशन हो सकता है, 5 सेक्शन होंगे। ब्लॉक लेवल के जो स्कूल होंगे सीएम राइस के, इसमें बच्चों के जो नामांकन होंगे लगभग 250 तक जा सकते हैं, और इसमें 6 सेक्शन बनेंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो सीएम राइस स्कूल होगा इसमें बच्चों के प्रवेश लगभग 450 होंगे, और इसमें 11 सेक्शन बनेंगे। वीडियो अगर स्पीड में लग रही तो वीडियो को रोककर या पुश करके आप इन संख्या को देख सकते हैं साथियों। इसी प्रकार कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की कक्षाएं 5 रहेंगी, जिनकी नामांकन संख्या एवं सेक्शन इस प्रकार रहेंगे। इसे भी हम एक बार देख लेते हैं। क्लस्टर लेवल का जो स्कूल होगा इसमें जो बच्चों की संख्या होगी लगभग 40 होगी, यहाँ पे हम कक्षा 6 से कक्षा 10 के विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं, इसमें 10 सेक्शन बनेंगे। ब्लॉक लेवल का जो स्कूल होगा इसमें बच्चों के प्रवेश की जो सीटें होंगी 600 होंगी, और इसमें लगभग 15 सेक्शन बनेंगे। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो स्कूल होगा इसमें जो एडमिशन होंगे बच्चों के कक्षा 6 से कक्षा 10 तक, इसमें सेक्शन बनेंगे 20। अब हम देखेंगे साथियों, कक्षा 11 से 12 तक की जहां कक्षाएं रहेंगी, जिनकी कक्षा संख्यावार नामांकन संख्या एवं सेक्शन इस प्रकार रहेंगे। इसे भी हम देख लेते हैं। क्लास आप देख सकते हैं 11 to 12, नंबर ऑफ क्लासेस 2, दो कक्षाएं यहां बताई गई हैं, संख्याएं भी यहां पे दिए गए हैं। क्लस्टर लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्कूलों की यहां पे बात हुई है। आर्ट्स के, साइंस के और कॉमर्स और एग्रीकल्चर और होम साइंस के यहाँ पे पद जो प्रवेश होंगे उनकी संख्या क्लस्टर लेवल में 8 में 100, साइंस में 100,
कॉमर्स में 80 होगी, एग्रीकल्चर में 50 और होम साइंस में 50 बच्चे यहाँ पे दाखिला लेंगे। और सेक्शन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बने हुए हैं, आर्ट के 2 सेक्शन होंगे, साइंस के 2 सेक्शन, कॉमर्स के 2 सेक्शन, एग्रीकल्चर के का 1 सेक्शन और होम साइंस का होगा 1 सेक्शन। ब्लॉक लेवल का जो स्कूल होगा इसमें आर्ट के 160 बच्चे प्रवेश लेंगे, साइंस के 160 और कॉमर्स के 160 और एग्रीकल्चर के 60 बच्चे और होम साइंस के 60 बच्चे प्रवेश लेंगे। इसमें हम देखेंगे सेक्शन आर्ट के ब्लॉक लेवल में जो बनेंगे 3 सेक्शन, साइंस के 3 सेक्शन, कॉमर्स के 3 सेक्शन, एग्रीकल्चर का 1 सेक्शन, होम साइंस का इसमें 1 सेक्शन बनेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर हम बात करें तो आर्ट में 300 बच्चे प्रवेश लेंगे, 300 बच्चे यहाँ पे अपना दाखिला करवा सकते हैं आर्ट में। इसी प्रकार 6 सेक्शन यहाँ पे भर देंगे, साइंस में 300 बच्चे प्रवेश ले सकते हैं, 6 सेक्शन बनेंगे। कॉमर्स में 260 विद्यार्थियों का प्रवेश होगा और 5 सेक्शन बनेंगे। एग्रीकल्चर में 150 बच्चे प्रवेश ले सकते हैं और 2 सेक्शन बनेंगे। और होम साइंस में यहाँ पे 120 बच्चे प्रवेश ले सकते हैं और 2 सेक्शन बनेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें हैं। अब हम बच्चों देखते हैं यहाँ पे प्रशासनिक पदों के अंतर्गत प्राचार्य, उपप्राचार्य, प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय की पद संरचना भी देख लेते हैं कि कितने पद होंगे। अगर हम क्लस्टर लेवल की बात करें तो प्रिंसिपल की 1 सीट होगी, वाइस प्रिंसिपल की 1, HM जो मिडिल MS का होगा 1 और PS का जो है HM होगा उसकी संख्या 1 होगी। इसी प्रकार ब्लॉक में भी हम देख सकते हैं कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, HM MS और HM PS के लिए 1-1 पद होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 1 पद प्रिंसिपल महोदय का होगा, वाइस प्रिंसिपल का 1, HM MS का 1 और HM PS के 2 पद होंगे। अगली बात करते हैं अब हम KG 2-12 टीचर्स अकादमिक पद। अब हम जो उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक के एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षक का सेटअप देखेंगे कि किस प्रकार इनकी यहाँ पे सीटें होंगी या पद होंगी। तो टीचर्स अकादमिक स्टाफ हम यहाँ पे देख रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक अगर हम क्लस्टर लेवल की बात करें तो 22 पोस्ट होंगी यहाँ पे, माध्यमिक शिक्षक की 12 पोस्ट होंगी, प्राथमिक शिक्षक की 5 पोस्ट होगी और प्री प्राइमरी की यहाँ पे 2 पोस्ट होंगी। इसी प्रकार अगर ब्लॉक लेवल का कोई स्कूल होगा तो इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक की 28 पोस्ट होंगी, माध्यमिक शिक्षक की 18 पोस्ट होंगी, प्राथमिक शिक्षक की 7 पोस्ट और प्री प्राइमरी शिक्षक की 2 पोस्ट होंगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो स्कूल होगा इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षकों की 37 पोस्टें होंगी, माध्यमिक शिक्षक की 24 पोस्ट होंगी, प्राथमिक शिक्षक की 12 पोस्ट होंगी और प्री प्राइमरी शिक्षक की 4 पोस्ट होंगी। बच्चों इसी साथियों अब हम यहाँ पे सह अकादमिक पदों, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, लाइब्रेरी ने संगीत शिक्षक, गायन वादन, नृत्य और फाइन आर्ट, यहाँ पे जो सह अकादमिक पद होंगे उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी पोस्टें यहाँ पे होंगी। तो सह अकादमिक की हम यहाँ पे पोस्ट अगर देखें, अगर लेब की बात करें तो क्लस्टर लेवल में 5 पोस्ट, ब्लॉक लेवल में 5 और डिस्ट्रिक्ट में 5 पोस्ट होगी, कंप्यूटर की 3 पोस्ट ब्लॉक लेवल में 3 और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 4, PTI की 3 क्लस्टर लेवल में, ब्लॉक लेवल में 3 और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 4 पोस्ट होंगी, म्यूजिक की यहाँ पे 2 पोस्ट होंगी क्लस्टर लेवल, ब्लॉक लेवल में 2 पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 3 पोस्ट, लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट क्लस्टर लेवल में, ब्लॉक लेवल में 2 और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2 पोस्ट होंगी, डांस टीचर की 1 पोस्ट क्लस्टर लेवल में, ब्लॉक लेवल में 1 पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 1, फाइन आर्ट की होगी 2, ब्लॉक में 2 और डिस्ट्रिक्ट में 3। इसी प्रकार करियर टीचर की 1-1 पोस्ट होंगी यहाँ तीनों लेवल में अगर हम देखें तो, साइकोलॉजिस्ट की भी 1-1 पोस्ट होंगी और स्पेशल एजुकेटर की होंगी 3 पोस्ट, तीनों जो लेवल हैं तीनों में 3-3 पोस्ट होंगी। जो सपोर्ट स्टाफ के पद हैं उनकी संरचना भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पोस्ट कितनी होंगी। तो ऑफिस असिस्टेंट्स की 1-1 क्लस्टर और ब्लॉक लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2 पोस्ट होगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2-2 पोस्ट क्लस्टर लेवल और ब्लॉक लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 3, अकाउंटेंट की 1-1 पोस्ट होंगी क्लस्टर लेवल, ब्लॉक लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 2 पोस्ट होंगी, स्टेट मैनेजर कस्टम ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर की 1-1 पोस्ट तीनों लेवल में होंगी और ट्रांसपोर्ट मैनेजर की ब्लॉक लेवल में 1 पोस्ट होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 1 पोस्ट होगी। अब हम देखेंगे साथियों कि CM राइस स्कूल के अंतर्गत विषयवार शिक्षकों की, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की
एवं जानकारी आप एमपी एजुकेशन ज्ञानदीप पर देख रहे हैं। क्लस्टर लेवल स्कूल में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 22, ब्लॉक लेवल में 28 और डिस्ट्रिक्ट लेवल में 37 पद होंगे, जिनकी जानकारी इस तरह है। आप देख सकते हैं कि हिंदी की कितनी पोस्टें होंगी। तो साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, आगे के वीडियो में हम इसके आगे के और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा। धन्यवाद।